हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुराने जीन्स से स्कर्ट बनाएंगे। इसके लिए हमने जीन्स की इनर सीम्स कट कर ली है। जीन्स के लेग पार्ट को अलग कर लेंगे। जीन्स के लेग पार्ट को फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। इसके बाद सेंटर वाली सीम्स भी कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों लेग पार्ट के सभी सीम्स कट करके हम सारे पार्ट कलेक्ट कर लेंगे। ये स्कर्ट हम कलियों वाली बनाएंगे। इसके लिए हम अब सभी पार्ट से कलियां काटेंगे। एक लेग पार्ट से हमें 4 कली मिली हैं, दोनों लेग पार्ट से हमें 8 कलियाँ इकट्ठी हुई हैं। तो हम पहले 4-4 कलियों को जोड़ लेंगे। कलियाँ जोड़ने के बाद हम इसमें डबल ब्राउन थ्रेड से ऊपर की साइड स्टिच कर लेंगे। अब नीचे की साइड हर कली में हम राउंड मार्क करेंगे। इसके ऊपर हम ब्राउन थ्रेड से सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद स्कर्ट को हम वन साइड से स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट के फैब्रिक के लिए हमने जीन्स के बचे हुए पार्ट से फैब्रिक कट कर लिया है और इससे हम बेल्ट रेडी करेंगे। कलियों वाली स्कर्ट में फैब्रिक ज़्यादा लगता है और लेग पार्ट के हमने सभी कलियाँ कट कर ली थी, इसलिए हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक में जोड़ लगाना पड़ेगा। बेल्ट हम 2 इंच की तैयार करेंगे। बेल्ट रेडी करके उसे हम स्कर्ट के ऊपर अटैच कर देंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने के बाद स्कर्ट को उल्टी साइड से फोल्ड करके इसके दोनों एंड को हम स्टिच कर देंगे और हमारी स्कर्ट रेडी है। स्कर्ट को रग स्टाइल देने के लिए हमें इसमें से नीचे से धागे निकालने हैं। इसके लिए हम सीम ओपनर का यूज़ करेंगे और स्कर्ट के उल्टी साइड से हम इसके धागे निकालेंगे। अब हम इस तरह से हम एक स्कर्ट को रेडी करेंगे। जीन्स से स्कर्ट बनाना बहुत आसान है। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर आप अच्छे टेलर नहीं हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई ड्रेस के साथ जीन्स से बनी हुई। तब तक के लिए धन्यवाद। जीन्स से बनी और ड्रेसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विजिट करें। थैंक यू।